बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास अव्वल आज आप लोगों का सबक है। हम सब भाई भाई हैं, इसकी आज मशक है। रीडिंग पहले मुकम्मल हो चुकी थी, अब आप लोगों की आगे है मशक। सबसे पहले आप अल्फाज मानी की तरफ आएँ, मुश्किल अल्फाज मानी जो आप लोगों के हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ है मिली नगमा, मुल्क के बारे में गीत, काबिल बलास बासलाहियत होशियार लायक मुतहद इकट्ठे दुख दर्द मुश्किलात। अल्फाज मानी आप लोगों के मुकम्मल हैं। फिर उसके साथ आप लोगों का पहला सवाल है, यहाँ पर टेलीविज़न पर कौन सा मिली नगमा चल रहा था? टेलीविज़न पर कौन सा मिली नगमा, पाकिस्तान जिंदाबाद आज़ादी पाइंदाबाद, यह नगमा टेलीविज़न पर चल रहा था। सवाल नंबर टू है, पाकिस्तान किसने बनाया? कायद आज़म ने मुसलमानों को मुतहद किया, सब ने मिलकर कोशिश की और पाकिस्तान बन गया, ठीक है। सवाल नंबर तीन है, आज़ादी के वक़्त हिंदुस्तान में दूसरी बड़ी कौम कौन थी? आज़ादी के वक़्त पहले नंबर तो हिंदू थे, ठीक है ना, दूसरी कौन थी? हिंदुस्तान में आज़ादी के वक़्त मुसलमान दूसरी बड़ी कौम थी, यानी कि हिंदुओं के बाद मुसलमान जो थी वो सबसे बड़ी कौम थी हिंदुस्तान के अंदर। सवाल नंबर चार है, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? पाकिस्तान के चार सूबे हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, जो आप लोगों को पहले से ही याद हैं। आगे सवाल नंबर पाँचवा है, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ठीक है। ये आप लोगों के आज का जितने भी ये मशक के जो सवाल हैं पाँच, इन पाँच सवालों को आप लोगों ने याद भी करना है और अपनी कापियों पर भी लिखना है और डायरी भी लिखनी है। आज आप लोगों को ये सबक है। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।